गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कोमल के सफर पे। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी रहोगे। तो गाइस, मैं दो दिन बीच में नहीं ले पाई थी ब्लॉग, डेली ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा फीवर था और मतलब वीडियो शूट वगैरह कर ले रही थी, वही काफ़ी था मेरे लिए। तो गाइस, आज है 29 दिसंबर है, शायद से 29 या 28 दिसंबर है। तो आज भी मैं आज छुट्टी पे हूँ, घर पे छुट्टी पे हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने देखा था ना, मतलब बहुत गंदगी हो चुकी थी घर, मतलब घर बहुत गंदा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं साफ़ सफाई कर लूँ। तो गाइस, मैंने स्टार्टिंग अभी 12 बज रहा है, मैं सो के उठी 12 बजे। पहले कल का थकी थी तो मैं पापा को बोली कि पहले कल मैं नींद अपना पूरा करूँगी, 12 बजे सो के उठूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। तो गाइस, 12 बजे मैं उठी, फिर चाय पी, ब्रश वगैरह करके फिर सो के चाय पी। उसके बाद मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करना है। तो मैं साफ़ सफाई पहले किचन की इधर से स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ, वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है बट ब्लॉग नहीं लेती हूँ, मैं सोची ब्लॉग ले लेती हूँ। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया है, देखो। गाइस, पहले हम इसमें से कुछ करेंगे, इसको साफ़ करेंगे। बाकी ये जहाँ रखा था देखो कितना कचरा है, इसे कोई भी साफ़ नहीं किया था, अभी ये मैं ही करूँगी। बाकी मैंने इसे रख दिया कागज़ लगा के, क्योंकि ये बस मम्मी ने ऐसे ही रखा था तो मुझे गंदा लग रहा था तो मैंने रख दिया। बाकी मैंने ये एक लाया था ग्रीन कलर का, तो इसमें जो पूजा का सामान एक्स्ट्रा है वो मैंने रख दिया है, इसको अभी मंदिर पे रखना है। बाकी चलो इसको साफ़ करते हैं पहले। ये सब मेरी मम्मी का वो है, मम्मी ने किया है, ये सब मेरी मम्मी का गुण है। हम लोग में गुण बोलते हैं, कर्तव्य भी बोलते हैं। मम्मी ने बोला था इसको मांजने के लिए, मतलब धोने के लिए। मैंने बोला नहीं जाने दो, इतना कौन वो करेगा, मैं इसको साफ ही कर सकती हूँ ऐसे। दोनों देखो, मम्मी ने ये दोनों भाजी इसमें रखा है, बताओ इसमें कितना, मतलब इसको फ्रिज में रखना चाहिए तो इसमें रखा है, क्या ही मम्मी को बोलूं। ये किसी काम का नहीं है, ये मैदा है, जब मैंने बीच में छोला भटूरा बनाया था तभी ये आया था, पर अभी मुझे लग रहा है ये ख़राब हो गया। इसमें कब का रखा था किसी ने देखा नहीं था, तो मुझे लग रहा है ख़राब हो गया, तो इसे अभी हम फेंक देंगे और इसको फेंक देती हूँ। और ये तेज़पत्ता वगैरह है, मिक्स गरम मसाला है, तो इसे देखते कोई यूज़ का हो सकता है ये। आज ना मुझे किचन को पूरा दुल्हन की तरह सजाना है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ इधर फेंका है उधर फेंका, आप लोग भी वीडियो में नोटिस किए रहोगे। तो मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, मम्मी टाइम है तो इसे साफ कर दे, पर मम्मी को टाइम ही नहीं इतना, तो मैंने सोचा कि मैं ही साफ कर दूँ। और यहाँ पे जो हम लोग ये टाकी और स्टूल रखते हैं, तो उसका जो कचरा वो होता है ना नीचे का कचरा विचरा की वजह से कुछ पानी वानी गिर गया तो दाग पकड़ लेता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये सब कितना पकड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसको पहले कांटा से रगड़ के साफ करके टाइल्स, उसके बाद वो क्या बोलते हैं जो गोल में होता है ना चावल वगैरह का, सोच रही हूँ वो लगा दूँ। वो लगाने के बाद उसके ऊपर ये रखूँ, जैसे मैंने कागज लगा के वो सब रखा वैसे सोच रही हूँ यहाँ पे भी कर दूँ तो अच्छा रहेगा, तो हमें कभी दोबारा सफाई करने में मेहनत नहीं लगेगा, तो वो कर लेते हैं पहले। कचरा इधर उधर होगा, ये देखो रंगोली गणपति में बहुत काम आया था, दिवाली में काम आया था, तो मैंने मम्मी को बोला कि ऊपर रख दो, तो मम्मी ने नहीं रखा, तो ये भी मुझे ही रखना पड़ेगा। तो
तो गाइज ये देख लो मैंने पूरा छुड़ा दिया है, बस ये जो बाटला के हैं ये नहीं निकलेंगे अब, इसको शायद बाहर से कुछ करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो भी मैंने सब साफ कर दिया है, अभी यहाँ पे हम लगाएंगे गुनी, देखते हैं। गाइज इधर का तो सब हो गया है, ये देखो मैंने नीचे लगा के रख दिया है, ये मम्मी ने प्लास्टिक कहीं का लाया था तो वो लगाया है, बाकी ये सब रख दिया है। और यहाँ का पूरा जगह हमें मिल गया है तो अब हम वीडियो शूट कर सकते हैं यहाँ का भी जगह लेके थोड़ा। बाकी किचन का हाल देख लो, ये भी साफ सफाई करना है, बाकी ये सब धोना है। और अभी फ्रिज का क्या हाल है वो देखते हैं। गाइस देख लो फ्रिज भी देखो, फ्रिज को कोई यूज ही नहीं करता था तो अभी इसको भी साफ करना पड़ेगा मुझे। सब इसे निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें सब फ्रेश सामान रखा हुआ है, और इसमें ये सब भी डाल देते हैं। देखो मेरे पापा दातुन करते हैं, अभी भी दातुन करते हैं, सही है। गैस अगर आप फ्रिज साफ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर भी डाल दो क्योंकि अच्छा रहेगा, तो मैं इसको पहले डाल के साफ। अरे तुझे बुखार तो नहीं? नहीं है। तू फर्स्ट टाइम घर का काम कर रही है? अरे बाप रे बाप। इसके लिए फेस कटेगा, तू हाइटेड है, मैं अपने हाइट के साथ। अब समझा मैं गाइस, अब समझा कि घर की साफ सफाई क्यों हो रही है। माय गॉड, तभी तो सोचा ये ट्रैक पहन के भागी क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे साफ सफाई चल रही है मतलब पक्का ये ब्लॉग वाला सीन है, इसलिए मैं समझ गया। वही मैंने सोचा मेरी बहन को आज बुखार तो नहीं हो गया, अचानक काम वगैरह पूरा घर का कर रही है, पता नहीं। लेकिन खैर ब्लॉक के चलते कर तो रही है, गुड गुड। वहाँ पे देख सब मैंने साफ सफाई कर दिया। ओ वाओ, जो लगा था सब पीला पीला सब उसको निकाल दिया। गुड, प्लास्टिक लगा दिया उसका, अब नीचे नहीं पकड़ेगा। ओ वाओ, पीला पीला निकाल दी, गुड। अरे अब यहाँ पे कुछ मत रखना, ऐसे ही रखना, बहुत क्लीन लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो कितना मन लगा के आप लोगों के लिए देखा जाए तो एक तरह से ये घर साफ कर रही है। मैं अपने ऑडियंस को बिफोर दिखा रही हूँ, अभी देखो आफ्टर देख लो फ्रिज कैसा दिख रहा है। गाइस आप देखे थे मम्मी क्या हाल बना के रखी थी, ये लोग भी क्या हाल बना। नॉट मम्मी, हमारी एक मोटी बहन है, सॉरी छोटी बहन है, वो थोड़ा सा उसने देखो अपना पार्लर का सामान कचड़े के पास रखा है, देख लो ये पार्लर से आज वो फेंकिंग है, उनको अपने सामान की कदर नहीं है तो आज फेंकिंग है वो सब। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो ब्लॉक के ही बहाने ये घर का साफ सफाई कर रही है। मैं वैसे भी करती हूँ, झूठ बोल रहा है ये। गाइस अब आप समझ ही गए होंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। कब से फोन चला रहा है तब नहीं, इसको मेरा मदद करना चाहिए पर ये मेरा मदद नहीं कर रहा है, फोन चला रहा है। गाइस मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, खुद का ब्रेकफास्ट रेडी किया, सब कुछ, किसी ने मेरा हाथ नहीं बटाया, ना इन लोग से मैंने बोला, ग्रीन टी बनाया, सब कुछ मैंने अकेले किया। लेकिन 12 बजे तक सोना जरूरी थोड़ी है, अच्छी बात थोड़ी है। तो गाइस यहाँ पे साफ सफाई चल रही है, और मेरी एक मोटी बहन है, उन्होंने मुझसे एड्रेस मांगा है। गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, आज उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ नया हो गया, तो मैं एकदम से मतलब वो हो गया, शॉक हो गया कि इनका मैसेज क्यों आया। यहाँ पे हाय टुडे देख सकते हो, हाय मैंने हाय लिखा, फिर उन्होंने बोला एड्रेस सेंड करना अपने यहाँ का मुझे, तब मैं समझा अच्छा काम है, तब इनका मैसेज आया, वैसे नहीं आता। तो मैंने गाइस देख सकते हो मैं बहुत शॉक भी हुआ कि मेरी सिस्टर का मुझे मैसेज आया। गाइस मैंने ये भी साफ कर दिया, आप देख ही रहोगे, नोटिस किए रहोगे जब मैं फ्रिज साफ कर रही थी, इस पे बहुत सारे सामान रखे थे तो सब मैंने क्लीन कर दिया है। अभी मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ, वो भी मैंने साफ कर दिया है। गाइस ये देखो, ये नहीं, ये जो है ये नहीं निकला क्योंकि ये बर्फ है तो वो मेरा हाथ बहुत ठंडा हो रहा था इसलिए मैंने उसको नहीं किया। बाकी ये देख लो मैंने सब सेटअप कर दिया है, सब साफ करके, और ये देखो सब जो फालतू सामान थे उसको मैंने फेंक दिया, बाकी ये साफ सफाई हो गया है। फ्रिज का तो क्लियर हो गया है, अभी
चलते हैं किचन पे। थर्ड किचन, ये सब धोना है और ये सब क्लीन करना है। देखते हैं चलो। सो गाइस, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। ये देखो, बर्तन वगैरह भी सब धो के हो गया है। और अभी पापा भी आए तो पापा को दही दिया मैंने खाने के लिए, क्योंकि उनका पेट ख़राब था। बाकी सब, ये स्टैंड आज मुझे बहुत कम आया ब्लॉग लेने में। गाइस, फाइनली सफाई हो गया है किचन का। ये देख लो, सब कुछ आज मैंने कर दिया है। ये देखो, यहाँ पे भी सब क्लीन हो गया है और यहाँ पे भी सब अच्छे से कर दिया था आज, कर दिया है आज। और गाइस, मैं 1 बजे लगी थी सफाई करने में, अभी बज रहा है 3। ज़्यादा कुछ नहीं किया तो भी कर दिया है काम तक। ये देखो, पानी पिया था वो गिरा हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो पहले भाई को खाना देना है, खाना दे देती हूँ गर्म करके, उसके बाद जा रही हूँ नहाने, नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखो, दोनों लड़ाई कर रहे हो। ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अभी ये यहाँ पे आके बैठेगा, पता है मम्मी ने ये लगाया है तो इसी में लोग आके बैठते हैं, अंडा देते हैं। तो अभी देखो, उसका वेट कर रहे हैं। सो गाइस, मैंने नहा लिया और अभी बज रहे हैं 4। और भाई को भी खाना पीना दे दी थी, नहाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि भाई को खाना देना था। पापा भी आए थे तो उनको दही खाना था, उनका पेट मतलब सही नहीं है आज, तो दही ही खाए बस, वो खाना नहीं खाए। और मुझे भी भूख लगी पर मेरा को खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी शॉप पे गई थी तो अभी भाई को मैंने भेज दिया क्योंकि मम्मी को घर पे आना था। तो मैंने मम्मी को बोला कि कुछ खाने के लिए लेके आओ, तो मम्मी बोलती कि मैं नहीं लेके आऊँगी। तो देखते ऐसा, मतलब मैं कुछ बोलूँ और मम्मी मेरी बात ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखते हैं मम्मी मेरे लिए क्या लाती है। और आज मैंने पहना है कुर्ती, घर पे मैं कुर्ती बहुत कम पहनती हूँ, पर ऐसे ही मम्मी ने लाया था मेरे लिए तो मैं सोची आज पहन लेती हूँ। तो गाइस, अभी मुझे करना है वीडियो एडिट मेरा, तो चलते हैं पहले वीडियो एडिट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखो गाइस, मम्मी मेरे लिए चाय बनाई है। मम्मी अपना फूल दिखा, मम्मी अपना फूल लगा के बैठी हुई है। तो गाइस, मैं अभी लाइव पर आई हूँ तो थोड़ा अपने मौज ऑडियंस से बात कर रही हूँ। आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगी। यहाँ पे 2-3 लोग ने सॉन्ग भी गाया था, मतलब 2-3 नहीं, एक जन ने गाया, नीतू ने भी गाया था, वो तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप लिया है वो दिखा दूंगी। तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे छोड़ेंगे। वाह, क्या बात है, वाह वाह गाइस, नीतू ने गिफ्टिंग भी किया, देख लो। सो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।